और इस तरह भ्रष्ट राजा का अंत हुआ। अगर किसी आदमी को कुछ बोलना हो और अगर आप बोल नहीं पा रहे तो अरविंद केजरीवाल से सीखने की जरूरत है। सीबीआई से छुटने के बाद आज अरविंद केजरीवाल विधानसभा पहुंचे और विधानसभा में एक चौथी पास राजा की कहानी सुनाई। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस गरीब परिवार के घर एक बच्चा पैदा हुआ। एक दिन एक ज्योतिष उसके घर आया और उसकी माँ से कहा, माई ये बच्चा आगे चलकर बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। उसकी माँ ने कहा, ये कैसे हो सकता है, मैं तो बहुत गरीब हूँ, हमारे लिए तो ये संभव नहीं। ज्योतिष ने कहा, माई जरूर बनेगा सम्राट। फिर वह जैसे तैसे चौथी पास की और पढ़ना छोड़ दिया। फिर पास में ही एक रेलवे स्टेशन था। वह लड़का वहाँ पर चाय बेचने लगा। उस लड़के को भाषण देने का बड़ा शौक था, इसलिए आसपास के गांव से बच्चों को इकट्ठा कर भाषण देता रहता। उसकी भाषण धीरे धीरे मशहूर होने लगी। लोग उसकी बातों में आने लगे और उसे राजा बना दिया। वह पढ़ा लिखा नहीं था। ऑफिसर आते इंग्लिश में बातें करते, उसे कुछ समझ नहीं आता तो जो ऑफिसर कागज देते उस पर बिना जाने समझे साइन कर देता। एक दिन एक ने उसे सुझाव दिया कि नोट बंदी कर दो, इससे सारे काले धन आ जाएंगे। राजा ने आव देखा न ताव, उसने तुरंत नोट बंदी कर दी। इससे देश की जनता में हड़कंप मच गया। न काला धन आया न आतंकवाद खत्म हुआ। फिर एक बार देश में महामारी आई। राजा के कुछ अनपढ़ दोस्तों ने सलाह दी कि ताली और थाली पीटने से महामारी खत्म हो जाएगी। राजा ने फिर आव देखा न ताव, सबको फिर से ताली और थाली पीटने कहने लगा और मूर्ख जनता पीटती रही। राजा अपनी गरीबी में ही मरना नहीं चाहता था, इसलिए उसने बहुत सारे पैसे कमाने का निर्णय लिया। इसके लिए उसने अपने परम मित्र को बुलाया और बोला, मैं तुम्हारे नाम से कंपनी चलाऊंगा, 10% कमीशन तुम्हारा। सबसे पहले उन्होंने बैंकों को लूटना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने बैंक के चेयरमैन को बुलाया और बोला, तुम इसे लोन दे दो 10,000 करोड़। वह चेयरमैन डर गया और भाग गया। फिर राजा और उसके मित्र मिलकर एक ऐसे आदमी को ढूंढ कर लाया जिस पर 10 केस पहले से थे। कहा, इसे लोन दे दो वरना जेल में डाल दूंगा। वह चेयरमैन डर कर लोन दे दिया। इसके बाद उन्होंने सबसे पहले 6 एयरपोर्ट खरीद लिए और उसके बाद सारी बिजली कंपनियां खरीद ली और उसके दाम बढ़ाकर देने लगे। उसके बाद उन्होंने रेलवे खरीदा, सारी चीजें खरीद कर और दाम बढ़ाकर बेचने लगे। उसी देश में एक राज्य था, उसका मुख्यमंत्री कट्टर ईमानदार था। वह अपनी जनता को मुफ्त बिजली, शिक्षा और इलाज दे रहा था। यह देखकर भ्रष्ट राजा बौखलाया और उस मुख्यमंत्री को डांट लगाई। कहा, बेवकूफ, तुम फ्री में सब कुछ दोगे तो हम लोग पागल है क्या जो यहाँ धंधा करने बैठे है। वह मुख्यमंत्री उस राजा का विरोध करने लगा और एक दिन सारी जनता के सामने कहा, राजा भ्रष्ट है और उसके पास कोई पढ़ाई लिखाई की डिग्री नहीं है। वह राजा कहीं से फर्जी एमए की डिग्री बनावा कर लोगों को दिखाने लगा। कुछ लोगों ने जब राजा की डिग्री मांगी तब राजा ने सब पर 25,000 का जुर्माना वसूलने लगा। अब भ्रष्ट राजा बौखलाया हुआ था और जो भी उसका विरोध करता वह सबको पकड़कर जेल में डालने लगा। मीडिया, जज, न्यायपालिका, सरकारी एजेंसियां, सब कुछ उस भ्रष्ट राजा के कंट्रोल में था। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा और उस भ्रष्ट राजा को राज गद्दी से उतार फेंका और उस कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री को राजा बनाया गया।
इसी के साथ विधानसभा आज खत्म हुआ।